हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है हमारी एक तरह से सेकेंड लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन हमारे कोर्स वर्क में और जितना भी हमारा सिलेबस होता है मोस्टली अब इंग्लिश के अंदर होता है। और इंग्लिश के समझने के लिए या वैसे स्पीकिंग के लिए या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसके जो ग्रामर है उसके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि हम जो उसको कॉन्टेक्स्ट है उसको अच्छी तरह समझकर या खुद से भी लिखना हो तो इजीली लिख सकें। तो आज जो मैं एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के जो टेंसेज हैं उनको समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, ये ओपन हो रही है। ओके, ये देखिए कि इसके अंदर ये एक ग्राफ सा या चार्ट सा आपके पास मौजूद है। इसके अगर आप टॉप पे देखिए तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे देखें तो सिंपल, परफेक्ट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो ये इसी तरह ये डिफरेंट जो कम्बिनेशन हैं, ये जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, इस तरह ये डिफरेंट कम्बिनेशन जो हैं वो बन जाते हैं हमारे पास। और ये जो 12 जो हैं वो टेंसेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स इसकी बन जाती हैं। ओके, तो हम पास्ट सिंपल पर क्लिक करके देखते हैं। तो ये देखिए कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेरे पास साथ ही क्लिक करते हुए आ गई है। इसके अलावा मैं इसकी अगर एग्जांपल देखना चाहूँ तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मेरे पास यहाँ पर मौजूद, जिनकी मदद से मैं इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे ही प्रैक्टिस का बटन है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास फर्दर दो ऑप्शन आ रही हैं कि मल्टी चॉइस आपने करना है या रेंज सेंटेंसेस करना है। मींस कि जब मल्टी चॉइस में मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ से मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं, तो अब मैं अपना जो नॉलेज है उसको मैं इजीली टेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, अब इसको हम चेक करते हैं तो ये रॉन्ग आ गया, इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए कि इस तरह जो राइट होगा वो राइट आपको बता देगा, जो आपका रॉन्ग हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट है तो आप उसके मुताबिक यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि इधर भी मेरे पास मल्टी चॉइस की या अरेंजिंग सेंटेंसेस की जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं। मींस कि इसके अंदर मेरे पास एक सेंटेंस आ जाएगा इस तरह, उसके डिफरेंट पार्ट्स मेरे पास आ गए हैं। अब मैंने जो है उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करना है और ये मैं जैसे इनको क्लिक करता जाऊँगा तो ये यहाँ पर मूव होते जाएँगे। ये देखिए, जब मैं कंप्लीट मूव कर लूँगा तो मैं इसको चेक करूँगा तो वो मुझे रॉन्ग जो है वो बता देगा कि रॉन्ग है। और उसके अलावा नीचे ही उसके साथ ही जो करेक्ट आंसर है वो भी लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। अगर आप ग्रामर के टेंसेस को समझना चाहते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। और ये आप ज़रूर एक बार इंस्टॉल करके इसका जो है वो इससे लर्निंग ज़रूर कर लें, या आपका अगर नॉलेज है भी पहले इसके बारे में तो उसको एक जो है आप दोबारा से रिफ्रेश ज़रूर कर लें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।